कल मेरे ही हाथों से मेरा गमला टूट गया, नीचे गिर गया, और इतना बड़ा एडेनियम है, मैं ऐसे तो इसको छोड़ नहीं सकती। तो मैं जाके अभी अभी दौड़ के, मतलब कल दोपहर में टूटा था, अभी जाके मैं 200 रुपये का मैं गमला लेके आ गई। ये जो मैंने लाई थी 2 साल या 1 साल पहले, पुराना 150 का था, इतना ही है, बहुत कम नहीं, थोड़ा सा छोटा है, लेकिन उसकी जो डेप्थ है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो मैं वही मिट्टी, और इसमें मैं कुछ नहीं मिलाऊँगी, पूरी बारिश में मेरा ये एडेनियम पड़ा रहा है, आप देख सकते हो, काई भी हो गई थी, पर ये मिट्टी देखो इसकी वैसी की वैसी कोरी की है, मतलब इसमें पानी ठहरता नहीं है। तो मेरी बहुत अच्छी सी वेल ड्रेन मिट्टी है, तो मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा, साफ फंगीसाइड है तो साफ, नहीं तो हल्दी, ये मैंने ट्राइकोडर्मा डाल दिया है, और इसमें मैं डाल दूँगी अब थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट। बहुत बड़ा एडेनियम है, और मैंने 1 चम्मच डाल दिया है इसमें, और ये डाल दे रही मैं 0050, 1 चम्मच के जितना मैं 1.5 चम्मच डाल दूँ 0050। और आप देख सकते हो ये मेरे एडेनियम में 5 जगह मैंने ग्राफ्ट किया है, एक इधर है, एक ग्राफ्टिंग इधर है, एक ग्राफ्टिंग इधर है, देखो ये इसमें ऐसा फूल आया है, और ये देखो ये रेड वाला एक ऐसा आया है, दूसरी 2 ग्राफ्टिंग इधर है, एक इधर है, एक इधर है, और एक इधर है, ऐसे मैंने 5 ग्राफ्टिंग किया है। अब मैंने वही मिट्टी, मैं देखूंगी माँ क्या और मिट्टी जाती है कि नहीं जाती है, इसमें एडेनियम आता है कि मेरा प्लांट, मैं देखती हूँ। तो पहले मैं थोड़ी सी मिट्टी डाल देती हूँ इसमें नीचे, बहुत अच्छी सी मेरी वेलड्रेन मिट्टी है, ये मेरे घर पे कम से कम 4 या 5 साल से है, मुझे गिफ्ट में मिला था, और इसके बाद भी देखो कितना बड़ा हो गया है। अब मैं मुझे ऊपर चढ़ना पड़ेगा शायद, मैं देखती हूँ। बहुत भारी है, जैसे तैसे करके मैंने उसको बिठा दिया है, और वजन चला जाता है उसका, इसी वजह से केबल से गिर गया था। तो मैं पूरी मिट्टी इसमें गाड़ दूंगी, दूसरी में उसको चाहिए तो मैं दूसरी भी डालूंगी, थोड़ी खाद वाली और मिट्टी, तो मैं पूरा भर के आपको दिखाती हूँ। दिखता है गमला, तो पूरी जो पुरानी थी वो भी मिट्टी चली गई, अब मुझे और भी दूसरी भी शायद डालनी पड़ेगी, अभी इधर जगह है, इधर जगह है, देखो पूरी जगह है, तो दिखने में लगता है छोटा, लेकिन गमला उससे जो उगाना था उससे बड़ा है। मैं और भी अभी मिट्टी डालती हूँ, ये देखो मेरी खाद भी है, मिट्टी भी है, गाय का गोबर की खाद है, चावल की भूसी है, ये सारी नई, मतलब नई मिट्टी है, मैं इसमें डालती हूँ। बारिश आ नहीं रही है, थोड़ा मैंने उसको ऊंचा भी उठाया, देखो पहले इधर था,
थोड़ा ऊंचा भी नहीं इसको उठाया। रिपोर्टिंग कर दी, ये मेरा बड़ा वाला एडेनियम की, तो आप देख सकते हैं। अगर आप भी अभी आपका ऐसा गमला टूट जाए, खराब हो जाए, रिपोर्टिंग करो तो इसमें साफ फंगिसाइड है, ट्राइकोडर्मा जो भी है जरूर से डालो, कुछ नहीं है तो हल्दी पाउडर भी डालो और अपने प्लांट को रिपोर्टिंग के बाद तुरंत पानी डालो। और मैं तो ऐसे ही मेरा पूरा एडेनियम, सारे जितने भी एडेनियम हैं पूरा बारिश में ही पड़ा रहता है, कुछ नहीं होता है, क्योंकि मेरा छेद अच्छा होता है, वेल ड्रेन मिट्टी होती है, इसमें पानी फैलता नहीं। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।